के एग्जीबिशन रोड जैसे मुड़ रहे देखे हैं स्पीकर फोन, तो बुखार छूट गया सर का फोन था। दास कहाँ हो? हम बोले सर हाईकोर्ट। अरे यार सुबह में हाईकोर्ट, हम सर अब क्या बोलेंगे, छुट्टो जो बात जो था सर गलती तो था ही था। अरे यार तू, हमने सर मेरा जवाब सुन लिया तो यार कमिश्नर साहब फंसे हुए वहाँ पूरा हाईवे जाम है। हमें सर मालूम है अभी एग्जीबिशन रोड क्रॉस कर रहे सर, मेरा जवाब सुनेंगे इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। इतने स्मार्ट ऑफिसर, आई लव स्मार्ट, वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय और अ लेडी, आई लव स्मार्ट। व्हाट टू डू, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम टू माय वाइफ। मैं नवादा में पोस्टेड था तो एक इंजीनियर का अपहरण हो गया, तो हम लोग इंजीनियर के अपहरण में नवादा जमुई के जंगल में घुस गए और घुस के लौटे सर चार पहाड़ टपके गए। एक जड़ मुझे मिला, पता नहीं वो जड़ मुझे अट्रैक्ट कर गया सर, उसमें कुछ शेप नहीं दिखा, उसको मैं उठा के ले आया। चार पहाड़ टपाना वो पुलिस वाले, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं पुलिस वाला, रे पकड़ रे लारे करके उसको चार पहाड़ टपा के ले आए। दो साल लग गया उसको रखा, कभी टेढ़ा कर दिया कभी गाड़े ले। एक दिन उसमें मुझे हाथी का हेड दिखा, वो एक मुर्गी का बच्चा मैं पालता था, वो मुर्गी को ऐसी पकड़ना मजाक में, वो बच्चा घुस गया, उसकी माँ चिल्लाने लगी, तो हम डंडा लेके गए कि उसको घुस के इधर ठीक लेंगे, तो मुझे हाथी का हेड दिख गया सर। उस वक्त क्या डिपवुड आर्ट होता है, हमको कुछ पता नहीं था, डिपवुड वर्ड जानता था बस ऐसे अंग्रेजी कॉमन वर्ड, और वो हाथी का पहला हेड मेरा आपके म्यूजियम में मेरा मिलेगा। म्यूजियम मैं अब रिटायर हो गया, अप्रैल में मैं म्यूजियम को खोल रहा हूँ, जो वर्ल्ड का दूसरा डिपवुड म्यूजियम होगा, लेकिन वर्ल्ड का फर्स्ट डिपवुड पार्क वो दास डिपवुड पार्क है। वहाँ चार पांच कमरे हैं, अच्छे कमरे हैं सर, उसको सुंदर बना रहा हूँ। ये डीजी सर आप लोग आएंगे तो छोटा मोटा तो करा नहीं सकते सर हम, तो उस लेवल का आप देखेंगे, गरीब इंसान का है, और आप सभी लोग हमारे गेस्ट होंगे, आई विल बी ऑनर्ड। आप अपने परिवार के साथ कभी वहां पर जरूर आए, और सर के साथ ये तो बात वीडियो हुआ, मैं एक सर के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। सर के साथ मैंने काम किया और जिंदगी की मेमोरेबल मैं बुक भी लिख रहा हूँ, तो सर के साथ आप थोड़ा सा शेयर करता हूँ, गिव मी 5 मिनट्स। क्या हुआ कि मैं सोनपुर में पोस्टेड, मेरी पोस्टिंग हुई सर अजीत सिन्हा, उसके पहले मैंने उनसे चार्ज किया। आज थोड़ी गलती तो सर ऐसे करता हूँ सर, माफ कर दीजिएगा, रिटायर कर रहा हूँ, उस वक्त गलत बात भी मैंने किया, मैं वो भी बोलता हूँ। तो मैंने अजीत सर से पूछा कि सर पटना जाने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि अरे SP छपरा जितना भी हाईकोर्ट का काम होता है ना, वो सब SP सोनपुर को दे देते हैं, जब जाने का मन हो वो कागज उठा लेना, चल देना। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। उसी में उन्होंने बताया कि एक बार हम भी कागज उठा के चले, और जैसे ही पुल पर आए तो गाड़ी गांधी सेतु पर गाड़ी रुक गई, ट्रक जैम वैम होगा, बगल में देखा तो DIG छपरा की गाड़ी, जो वो उतरे जाके जय हिंद किए। तो DIG छपरा ने कहा कि क्या जी मिस्टर अजीत, आज हम आपको पकड़े कि आप हमको पकड़े। उन्होंने कहा कि सर आज तो हम पकड़ लिए सर, हम तो हाईकोर्ट के काम से जा रहे हैं। इसी तरह से सर झूठ नहीं बोलूंगा, वाइफ ने फोन किया कि आइएगा मटन बना रहे हैं, तो हमने कहा आते हैं, तो हम सर मीट खाने के लिए बोरिंग रोड मेरा घर है, हम आ गए सर। नया गांव में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो चिपा के मर गया, और वो जब मर गया सर ने हमें खुला हाथ छोड़, कभी फोन नहीं करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे को एकदम फ्री हैंड फ्री सपोर्ट, एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू डू दिस वन, दैट इज व्हाई आई सैल्यूट यू। और आज उसी कम्युनिटी पुलिस का 97,000 लड़का NCC का पूरे बिहार में है। बात कर रहा था वहां पर मटन सर वाली, मटन वाली बात एक मिनट खत्म करता हूँ, बुरा मत मानिएगा सर, लंबा खींच लिया, इतने बड़े ऑफिसर आप हैं, इतना लंबा भाषण दे रहा हूँ। हमको जैसे ही पता चला तो हम तो इलीगली भागे थे, लेकिन एक कागज रख लिए थे हाईकोर्ट का। तो सर का फोन आया, हम भागे, जैसे हुआ हमको फोन आया कि सर मर गया, पूरा रोड जाम हाईवे कर दिया, दिगवारा थाना, देवनी थाना, दरियापुर थाना, सबको भेजा, सोनपुर भेजा, इंस्पेक्टर को भेजा, SDO से बात किया, बोला बॉस हम निकल गए, आप कहाँ हैं, हम ले पहुंचिए जल्दी, हम आ रहे हैं। भागे जल्दी जिप्सी लेकर के, दोपहर का समय था सर, जैसे भाग के एग्जीबिशन रोड जैसे मुड़ रहे देखे हैं स्पीकर फोन, तो बुखार छूट गया सर का फोन था। दास कहाँ हो? हम बोले कि सर हाईकोर्ट। अरे यार सुबह में हाईकोर्ट, हम सर अब क्या बोलेंगे, छुट्टो जो बात जो था सर गलती तो था ही था। अरे यार तू, हमने सर मेरा जवाब सुन लिया तो यार कमिश्नर साहब फंसे हुए वहां पूरा हाईवे जाम है। हम सर मालूम है अभी एग्जीबिशन रोड क्रॉस कर रहे सर, मेरा जवाब सुनेंगे इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये मेरे गुरुदेव यहाँ पर है। हमने सर को कहा कि सर हम वहां से 22 से 25 मिनट में वहां पे पहुंच जाएंगे,
तीन मिनट में जाम छुड़ा दूंगा, तो 25-28। हम बोले सर आधा घंटा हमको फोन मत करिएगा, आपका फोन आता तो हमको टेंशन हो जाता है, समझ गए, फोन लग गया उसने मुझे फोन लग। और हम वहां पहुंचे, और वहां पहुंच के उस वक्त सर उतना मोबाइल नहीं था मेरा, किसी आदमी से मैं आज बता रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति से मेरी बात नहीं हुई थी कि सर आप आ जाइए हम लोग रोड जाम छुड़ा देंगे या हम लोग हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक डीएसपी अपने एसपी को कैसे बोल सकता है, ये सीखने की बात है। और मैं तो कहूंगा कि पूरा पुलिस हम लोग सबको मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए। मैंने ये प्रयोग किया और वहां जाके फोन किया मैंने सर को, पूछे जैसे तुमने क्या हुआ प्रांत दोस्त छूटा, हमने सर घड़िया देखी 22 मिनट में हम कर दिए थे और पहुंचे और एक मिनट में जाम छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि इसलिए कि हर जगह हम हर साल 500 कम्युनिटी पुलिस के लोगों को लोकल लड़के को बनाते हैं, तो जहां जाम होता है वहां पास को जैसे पहुंचेंगे बोलेगा जय हिंद। तो जाम में 5 आदमी अगर आपका जय हिंद वाला मिल जाएगा और अगर लोग आप पर थोड़ा विश्वास करते हैं तो वो आपकी बात को तुरंत मानेंगे। हम वहां जैसे गए सर, हमने रहे पीछे जय हिंद, हम जाए सारा आ गए, वो बोला हमने कहा लाश उठा के यहाँ रख, हमको घेर तुरंत हटाओ, आए सर बोले हटाओ और लाश हट गया सर, सर को कर सका। तो कम्युनिटी पुलिस में हम वन से पुलिसमैन आप सबों को मैं सैल्यूट करता हूं। मेरा बहुत अहोभाग्य है कि मैं एससीआरबी में आया और इतने ब्रिलियंट ऑफिसर, इतने स्मार्ट ऑफिसर, आई लव स्मार्ट, वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय और अ लेडी, आई लव स्मार्ट, व्हाट टू डू, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम टू माय वाइफ, ओके, बट इट इज अ फैक्ट, आई लव स्मार्ट पीपल, आई लव स्मार्ट पीपल, आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं फ्री हूँ, आप जब भी कहेंगे पीके दास आपकी सेवा में रहेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जिस दिन आपको, आप सबको, अपने परिवार की सर, मैं आज परिवार के साथ वहां जाऊंगा, आइए सैटरडे संडे सर से छुट्टी लीजिए, रिलैक्स इट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, थैंक यू वेरी मच एंड आई सैल्यूट बिहार पुलिस, आई एम सो प्राउड दैट प्रांतोस, एक छोटा सा अदना सा लड़का जो पढ़ने में भी तेज नहीं था, मिडिल टाइप का चीज था, वो आदमी आज बिहार पुलिस में, मुझे नौकरी मिली, मैं बिहार पुलिस में आप लोगों के साथ काम किया, पुलिस वाले के साथ मैं जुड़ा और हमेशा जिंदगी भर जो सर ने बोला, मैंने सही में वो सब पढ़ा नहीं है सर, जानता नहीं हूँ, मूर्खा टाइप का आदमी अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन आपका जो सपोर्ट रहा विदाउट दैट, अगर एसपी एक बार डांट देगा तो कुछ कर पाएंगे आप जी? कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार क्या करते हो यार, देखो यार फोर्स भेज, इतना ही बोलेंगे। एक सत्य जिंदगी में जो ये सत्य कभी नहीं गिव ए फ्री हैंड टू मी, आई विश टू टच योर फीट एंड विल ऑलवेज टच योर फीट, आई एम सो प्राउड, आई हैव वर्क विद राजीव रंजन, आई नो इट, आई हैव वर्क विद सत्यनारायण, आई हैव वर्क विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। And I'm a very happy person. I salute my DG. I salute my all the senior officers who has given me this much of love and this much of respect so that I am going today home with my elated heart. Thank you so much. Live Bihar. YouTube पर subscribe और Facebook पर like जरूर करें।